हेलो बच्चों, आज अपने एक नए टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्तन। अपने चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, पार्ट 3 चल रहा है, क्लास 12 का ये वीडियो है, पार्ट 3 मानव जनन। ठीक है, अब इसमें दो टॉपिक के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सगर्भता यानी प्रेगनेंसी व भ्रूणीय परिवर्तन। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं, बहुत इजी टॉपिक है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़े भ्रूणीय परिवर्तन है, उसमें क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन पे अपन आज नोटिस करेंगे कौन से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अंदर अपन ने एक पहले वीडियो बनाया है 17 मिनट का, उसमें अपन ने अपरा और उसके प्लेसेंटा और उसके कार्य पढ़े हैं। ठीक है, वो आप लोग देख लें, और उससे निकलने वाले हार्मोन है उसके बारे में आपको अध्ययन करवाया। तो जैसे ही आपको पूछा जाएगा कि सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्तन क्या है, तो अपन आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले अपन को पता ही है कि ब्लास्टुला बनता है। ठीक है, ब्लास्टुला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला है उसके अंदर क्या होता है, ब्लास्टुला से बनता है गैस्टुला, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब गैस्टुला है इसको अपन कहते हैं कंदुक, क्या कहते हैं हिंदी में कंदुक कहते हैं, ये अपने ध्यान रखना है। इस गैस्टुला का दूसरा नाम होता है कंदुक। ठीक है, इस गैस्टुला के अंदर 3 जनन स्तर होते हैं। इस गैस्टुला के अंदर कितने जनन स्तर होते हैं, 3 जनन स्तर होते हैं। ये सवाल आता है कि कौन सी भ्रूणीय अवस्था के अंदर 3 जनन स्तर होते हैं, गैस्टुला अवस्था है उसके अंदर 3 जनन स्तर होते हैं। कौन कौन से जनन स्तर होते हैं, एक का नाम होता है एक्टोडर्म। 3 जनन स्तर के नाम आपको बताने हैं, सबसे पहला स्तर है एक्टोडर्म। ठीक है, दूसरा स्तर होता है जिसका नाम होता है मीसोडर्म। ठीक है, दूसरा स्तर है जिसका नाम है मीसोडर्म, और तीसरा स्तर है जिसका नाम है एंडोडर्म। ये 3 स्तर होते हैं। एक्टोडर्म को अपन कहते हैं बाह्य त्वचा, क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। फिर उसके बाद मीसोडर्म को अपन कहते हैं मध्य जनन स्तर, क्या कहते हैं, मध्य जनन स्तर। ठीक है, फिर उसके बाद ये एंडोडर्म है इसको कहते हैं अंतस्थ त्वचा, क्या कहते हैं, अंतस्थ त्वचा। ये 3 स्तर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 जनन स्तर किस में पाए जाते हैं, अपना क्वेश्चन बना तो अपन ने कहा एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जनन स्तर गैस्टुला अवस्था में पाए जाते हैं। गैस्टुला किससे बनता है, ब्लास्टुला में, और ब्लास्टुला को अपन ने कहा था कोरक, क्या कहा था, कोरक कहा था। और मनुष्य में कोरक किस प्रकार का होता है, कोरक पुट्टी प्रकार का होता है। मनुष्य में कोरक किस प्रकार का होता है, कोरक पुट्टी। अब इसमें क्या होता है, अपन एक ब्लास्टुला का डायग्राम देखते हैं, बहुत इजी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये ब्लास्टुला है, इसका बाहर इस तरह, इसका नाम है ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट, आप लोग मेरे साथ बने रहे, वीडियो देखते रहे, आपको समझ में जरूर आएगा, आप हिम्मत रखें। ये क्या है, ट्रोपोब्लास्ट है, और ट्रोपोब्लास्ट के अंदर ये कोशिकाओं का समूह है, इसको कहते हैं अंतःकोशिकीय पिंड। इसको क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पिंड कहते हैं, इनर सेल मास, ये आपको ध्यान रखना है, अंतःकोशिकीय पिंड, अंतःकोशिकीय पिंड याद रह जाएगा। ये ब्लास्टुला अपन ने एक वीडियो बना रखा है इसका, उसको देख सकते हैं। ये ट्रोपोब्लास्ट है, ये बाहर वाली परत है, इसका नाम है ट्रोपोब्लास्ट, या इसको कहते हैं कोष कारक, या इसको क्या कहते हैं, कोष कारक। इस कोष कोरक से क्या होती है, भावी भ्रूणीय झिल्लिया बनती है। इस कोष कोरक से क्या होगा, भावी भ्रूण की झिल्लिया बनेगी, एमनियन कोरियन एलेंटोइस पीतक से ये भावी भ्रूणीय झिल्लिया बनेगी। अंतःकोशिक पिंड से क्या बनेगा, भावी भ्रूण, क्या बनेगा, भावी भ्रूण। अब आपको क्या है, एनसीईआरटी की लाइन से लाइन आपको बता रहे हैं कि जो अंतःकोशिकीय पिंड है इससे पहले क्या होता है, 2 जनन स्तर बनते हैं। कितने जनन स्तर बनते हैं, 2 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। कौन से 2 स्तर बन गए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तर बन गए, यानी इसका विभाजन हुआ, अंतःकोशिकीय पिंड का विभाजन हुआ और 2 स्तर बन गए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पुटक होता है कि अंतःकोशिकीय पिंड की कोशिकाओं के विभाजन से कौन से 2 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर उसके बाद एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और तीसरा जनन स्तर बन जाता है जिसको कहा जाता है मीसोडर्म, क्या कहा जाता है, मीसोडर्म। तो पहले कौन से 2 स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, फिर उसके बाद कौन सा तीसरा जनन स्तर बनता है, मीसोडर्म। अब तीनों जनन स्तरों से क्या होता है, शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, शरीर के अलग अलग अंगों और आपको बताना है उत्कों का निर्माण होता है, शरीर के अलग अलग अंगों और उत्कों का निर्माण होता है,
जैसे सवाल आता है हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है, हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है, मेसोडर्म से। किससे होती है? मेसोडर्म से होती है। सवाल आता है फेफड़ों की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है, तो आपको बताना है कि ये एंडोडर्म से होती है। किससे होती है? एंडोडर्म से होती है। सवाल आता है वृक की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है, तो आपको बताना है मेसोडर्म से होती है। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपके इतने दे ही नहीं रखे हैं, कोर्स में है ही नहीं। ये आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो और भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको बाद मौका मिले तब आप याद कर लेना। आपके एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं दिया है, जो न्यू सिलेबस है 12th का, उसमें ये दे ही नहीं रखा है। अपने को तो सिर्फ यहाँ कंसंट्रेट करना है कि ये जो भ्रूण है उस भ्रूण का नाम है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में जो अंतःकोशी के पिंड है, ब्लास्टुला में जो अंतःकोशी के पिंड है उससे भावी भ्रूण बनता है। अंतःकोशी के पिंड से दो स्तर बनते हैं, दो जल स्तर बनते हैं, दोनों के नाम याद होने चाहिए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर उसके बाद तीसरा जल स्तर बनता है जिसका नाम होता है मेसोडर्म। ठीक है, बाकी आपको कुछ याद हो नहीं हो, इसमें दो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं जो याद रखने हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है तीन जनन स्तर के नाम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीन जनन स्तर है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि अंतःकोशी के पिंड होता है उससे कौन से दो जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, फिर कौन सा स्तर बनता है, मेसोडर्म। अब ये जो अंतःकोशी के पिंड होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं। ये आपको परिभाषाएं याद रखनी पड़ेगी। इस अंतःकोशी के पिंड में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है स्टेम कोशिकाएं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अब स्टेम कोशिका होती क्या है, स्टेम कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन का गुण होता है, ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन का गुण होता है और उसके द्वारा पूर्ण उत्तक या अंग का निर्माण हो जाता है, जो अंग या उत्तक का निर्माण करने में सक्षम होती है। ऐसी कोशिका जो पूर्ण उत्तक या अंग का निर्माण करे, ऐसी कोशिका जो पूर्ण उत्तक या अंग का निर्माण करती है उसको क्या कहते हैं, स्टेम कोशिका कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, ये कोशिका है, विभाजित होगी और जैसे एक शरीर का कोई अंग बना देगी, क्या बना देगी, शरीर का कोई अंग बना देगी, ये जैसे फेफड़े बना दिए। ठीक है, ऐसी कोशिका जो विभाजित होती है, ये कोशिका विभाजित होती है और ऐसे हृदय बना देती है, तो ऐसी कोशिका जो विभाजित होती है और शरीर के किसी अंग या उत्तक का निर्माण करती है उसको स्टेम कोशिका कहते हैं। बहुत सरल डेफिनेशन है बच्चों, अपने को क्या करना है, बिल्कुल आपको सिंपल सी परिभाषा याद करनी है कि ऐसी कोशिका जिसके द्वारा किसी अंग या उत्तक का निर्माण होता है उसको कहते हैं स्टेम कोशिका। ठीक है, स्टेम कोशिका कहाँ पाई जाती है, अंतःकोशी के पिंड में पाई जाती है। ठीक है, अंतःकोशी के पिंड में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती, इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है, सीबीएसई ने इसको थोड़ा डार्क किया है ताकि ये परीक्षा में सवाल पूछ सके कि स्टेम कोशिका क्या होती है। ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन का गुण होता है तथा उसके द्वारा किसी उत्तक या अंग का निर्माण किया जा सकता है उसको कहते हैं स्टेम कोशिका। अब अपन ये सागत और भ्रूणीय परिवर्तन है, इसमें क्या है, भ्रूण का परिवर्तन है, उसमें कौन से महीने में क्या परिवर्तन होता है उसका एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, कि भाई कौन से महीने में क्या परिवर्तन होता है। बच्चों आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपको जहां पे भी लगता है कि आपको लिखना चाहिए आप मेरे साथ नोट्स बनाइए, आपको क्वेश्चन है उनको लिखना है और उनके आंसर भी देने हैं। वैसे आप सब टैलेंटेड हो मैं जानता हूं, कोई कमी नहीं है, आपको बस इंतजार है आपको मौका कब मिले, मिलेगा आपको मौका जरूर। अब अपन जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है भ्रूणीय परिवर्तन की अलग अलग महीने में कौन से महीने में क्या परिवर्तन होता है। अब मनुष्य में जो भ्रूणीय परिवर्तन है उसकी गर्भावधि काल, गर्भावधि काल मनुष्य में कितना होता है, 9 माह होता है। कितना होता है, 9 माह के आसपास गर्भावधि काल होता है। इतने टाइम तक भ्रूण क्या होता है, औरत के गर्भाशय के अंदर रहता है। अब इसने एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, जो सीबीएसई आरबीसी की नई बुक है उसमें 12th में क्वेश्चन पूछ लिया कि कुत्ते का गर्भावधि काल कितना होता है। फिर उसने बक उसका
बिल्ली का गर्भावधि काल कितना होता है, फिर उसके बाद हाथी का गर्भावधि काल कितना होता है। ठीक है, अब अपने को इसके आंसर ढूंढने क्या करने हैं, आंसर ढूंढने हैं कि भाई इनका गर्भावधि काल कितना होता है। तो मैं आगे लिख दूं, इसका 2 माह, कितने माह होता है इसका 2 माह, और इसका कितना होता है 21 माह। ठीक है, ये मैंने भी कंफर्म किया और आप भी क्या है कंफर्म कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना कि भाई कुत्ते का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, बिल्ली का कितना होता है और हाथी का कितना होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत यू वेरिएशन मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमने ढूंढा है और हमें ये मिला है। अब क्या होता है परिवर्तन, सबसे पहले आपको बताना है प्रथम माह में, जो प्रथम माह है यानी गर्भावधि काल के पहले महीने के अंदर, गर्भावधि काल के प्रथम माह में क्या होगा, गर्भावधि के प्रथम माह के अंत में। ठीक है, प्रथम माह के अंत में क्या होगा ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। और प्रथम माह के अंत में क्या होगा, हृदय का विकास हो जाएगा, किसका हो जाएगा, हृदय का विकास हो जाएगा और हृदय धड़कन प्रारंभ हो जाएगी, हृदय धड़कन क्या होगी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, हृदय धड़कन प्रारंभ हो जाती है, लगभग इसमें टाइम तो फिक्स नहीं दिया है लेकिन 28वें दिन हृदय धड़कन प्रारंभ हो जाती है, अपने को ये ध्यान रखना और नॉलेज रखना। ठीक है, इन आपको ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको इतना ही याद रखना है प्रथम माह के अंत में क्या होता है, हृदय का विकास हो जाता है और हृदय धड़कन प्रारंभ हो जाती है। अब दूसरे माह के अंत में जो सेकंड माह है उसके अंत में क्या होता है, दूसरे माह के अंत में आपको बताना है जो पाद होते हैं और अंगुलियां होती है, पैर होते हैं और अंगुलियां होती है, विकसित हो जाती है, पैर और अंगुलियों का विकास हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या थोड़ा लाइन घुमाई है, क्या घुमाई है, अब अपन कह सकते हैं कि तीसरे माह के अंत में, तीसरे माह के अंत में, या अपन इसको कहते हैं प्रथम तिमाही, क्या कहते हैं प्रथम तिमाही, पहले 3 महीने का बच्चा, आप लोग और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गणित में तो आप कह सकते हो 12 सप्ताह, कितने सप्ताह 12 सप्ताह, नेचुरल सी बात है तीसरा महीना है, 1 महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 1 महीने के अंदर होते हैं 4 सप्ताह, दूसरे महीने में 8 और तीसरे महीने में 12 सप्ताह, तीनों में से कुछ भी पूछ ले तो आपको बिल्कुल याद रखना है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जनन अंगों का विकास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो बाह्य जनन अंग है उनका विकास हो जाएगा, बाह्य जनन अंगों का विकास हो जाएगा और पाद है जो पैर है वो पूर्ण रूप से क्या होंगे विकसित हो जाएंगे, यानी आपको बताना है अंग और उत्तकों का निर्माण हो जाएगा, अंगों अंग तंत्र बन जाएंगे, अंग तंत्रों का निर्माण हो जाएगा, अंग तंत्र बनने शुरू हो जाएंगे यानी उसमें बाह्य जनन अंग है वो विकसित हो जाएंगे और उसके पाद है वो पूर्णतया विकसित हो जाएंगे, पैर या बन गए थे या पूर्ण विकसित हो जाते हैं यानी अंग तंत्र बन जाते हैं, उसमें जैसे श्वसन तंत्र है, उसमें जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसमें जैसे उत्सर्जन तंत्र है, इन तंत्रों का निर्माण होता है और बाह्य जनन अंगों का विकास हो जाता है, पता चल जाता लड़का है या लड़की है। फिर उसके बाद में क्या होता है चौथे माह में, किसमें चौथे माह में इसने कुछ नहीं दिया है, 5वें माह में बताया है, क्या बताया है 5वें माह के अंदर इसने एक्सप्लेन किया है कि 5वें माह के अंदर क्या होता है, जो सिर है उस पर बाल विकसित हो जाते हैं, सिर पर बाल आ जाते हैं, सिर होता है उस पर बाल आ जाते हैं और भ्रूण क्या करता है गति करता है, क्या करता है भ्रूण गति करता है यानी हलचल शुरू हो जाती है, माँ है उसको अपने महसूस होता है बच्चा है वो हिल रहा है, क्या है बच्चा हिलडुल रहा है यानी अंदर वो लाते मारना शुरू कर देता अपनी माँ को और अंदर वैसे घूमना शुरू हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी हलचल हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अपन कहते हैं 5वें माह के बाद 6ठा माह आता है, 6ठा माह। ठीक है, 6ठे माह में अपन कह सकते हैं ये प्रथम तिमाही थी, अब दूसरी तिमाही का बच्चा हो गया है, कितने माह का हो गया है दूसरी तिमाही का बच्चा हो गया है, इस समय क्या होगा, इस समय आपको बताना है सबसे पहले तो पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाएंगे, बच्चा जन्मता है उसके शरीर पर आपने देखे होंगे बाल ही बाल, पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं, पूरे शरीर पर कोमल बाल, बाल अलग होते हैं कोमल बाल अलग होते हैं, उसके बाद पलकें अलग हो जाती है, दोनों पलकें खुल जाती है, पलकें अलग हो जाती है, पलकें पहले चिपकी भी रहती है वो अलग हो जाती है, पलकें अलग हो जाती है, दोनों पलकें क्या हो जाएगी अलग हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आंखों के ऊपर बरोनिया है, क्या है बरोनिया कहते हैं, आंखों ऊपर जो बाल होते हैं उनको क्या कहते हैं बरोनिया, बरोनिया आ जाती है, क्या हो जाती है बरोनिया आ जाती है। फिर जब 9वां का होता है
तो वो गर्भ शिशु जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो ज्यादा है नहीं, इसमें सिंपल ही दे रखा है आपको, ये क्या करना है, ये टेबल है, इसको याद करना। अब सवाल टीचर कुछ भी पूछ सकता है, वैसे तो क्या है कि इसमें टीचर पूछ लेता है हृदय का विकास कब हो जाता है प्रथम माह में, ज्यादा देर नहीं रखा है मैंने आपको, लाइन से लाइन बता दिया है। अब एक सवाल इसमें ऐसे बनता है, स्टेथोस्कोप आपने सुना होगा क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो हृदय धड़कन ज्ञात करने में काम आता है, हृदय धड़कन ज्ञात करने में काम आता है। बच्चों जब भी हृदय धड़कता है तो डॉक्टर पता लगाने के लिए क्या करता है, स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। आज हर किसी का सपना होता है, जो भी बायोलॉजी के बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चों के मैंने ज्यादातर के जो स्टेटस देखे हैं, ज्यादातर की जो फेसबुक डीपी देखी है, उसमें स्टेथोस्कोप है, या तो वो डॉक्टर के गले में लगाया हुआ होता है और वो किसी के हार्ट बीट चेक कर रहा होता है। तो स्टेथोस्कोप आपको पता होना चाहिए क्या है, ये आप कई बार जांच कराने जाते हो, डॉक्टर क्या करता है कान में लगा देता है और फिर उसके बाद उसके शरीर पे या टच करता है और टच करके कहता है सांस लो जोर से, तो वो है स्टेथोस्कोप। आपकी भी ये होनी चाहिए मन में फरमाइश कि हम नेट क्लियर करेंगे और हमारे गले में भी क्या होगा, हम भी MBBS करेंगे और हमारे गले में भी ये उपकरण होगा, इसका नाम होगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, ओवर टारगेट स्टेथोस्कोप प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना, लगातार आप लोग स्टडी से जुड़े रहो, लाइन से लाइन पढ़ते रहो, आपके लिए कोई ऐसे मैटर नहीं करता है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इजीली सिलेक्शन होगा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप आप समझ गए क्या काम आता है, हृदय धड़कन याद करने में काम आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपन ने देखा कि प्रथम माह में क्या हुआ, प्रथम माह में हृदय का विकास हुआ। ठीक है, यानी हृदय उसका विकास हुआ, हृदय धड़कन प्रारंभ हो गई। ठीक है, 28वें दिन हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, ये अपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दूसरे माह के अंत में क्या होगा, पैर बनेंगे, अंगुलियां बनेगी, यानी पैरों का और अंगुलियों का विकास होगा। तीसरे माह के अंत में 12 सप्ताह बाद क्या होगा, 12 सप्ताह बाद उसके अंग तंत्र बनेंगे, अंग तंत्र में बाह्य जनन अंग नाम दे रखा उसने। फिर उसके बाद 5वें माह में क्या होगा, सिर पर बाल उगेंगे, सिर पर बाल आएंगे और भ्रूण है वो गति करेगा, हलचल करेगा। 6ठे माह के अंत में क्या होगा, दूसरा तिमाही, ये प्रथम तिमाही है, ये दूसरा तिमाही है, बरोनिया आ जाती है, आंखों पर जो बाल होते हैं उनको आईलेसेस, बरोनिया। फिर पलकें अलग हो जाती है, आईलिड्स अलग हो जाती है, पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। छोटा बच्चा जन्मता आप कहते अरे इसके शरीर तो पूरा बालों से भरा हुआ है, तो ऐसे 6ठे माह में आते हैं। किस माह में आते हैं, आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा। बच्चों थैंक यू वेरी मच।